जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि लाइटिंग दिखाने के बाद ही हम यहाँ से वापस जाएंगे, तो अभी मंदिर प्रांगण की सारी लाइटें जल गई हैं, और आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं यहाँ की लाइटिंग। और आप इस वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है एक पार्ट में वीडियो बन नहीं पाता, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में किया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिन का जो दृश्य था दिखाया था, थर्ड पार्ट में हमने लाइटिंग का दिखाया हुआ है। आइए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करके दिखाते हैं, और जो भी कमेंट होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आप, रात के समय का ये लाइटिंग की व्यवस्था कितनी उच्च क्वालिटी की गई हुई है, और आप जो सामने देख रहे हैं गोल गुंबद सा, वो भक्ति भवन है, और भक्ति भवन की लाइटिंग आप देखिए, और राधे राधे भक्ति मंदिर का आप दृश्य देखिए। आप यहाँ पे देखिए कितने भव्य स्वरूप ये मंदिर का दृश्य दिख रहा है। एक्चुअली ये भक्त मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, नहीं तो हम आप लोगों को दिखाते अंदर की सुंदरता और अंदर की जो कारीगरी है इतना देंगे। आप यहां से देख सकते हैं, बाहर से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, बाहर का ये जो दृश्य है अभी ये देखिए मंदिर का। आप यहाँ के झूमर को देख सकते हैं, ये झूमर लगा हुआ है मंदिर के रूफटॉप पे, झूमर लगा हुआ है, और झूमर जगत गुरु भालू परिषद ये हमारे मनगढ़। शाम के बाद का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जब लाइट यहाँ पे सारी लाइट को ऑन कर दिया गया है, और देखिए अभी सामने आप प्रेम मंदिर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये प्रेम मंदिर मथुरा के मंदिर के जैसा ही बनाया गया है। देखिए इसकी सुंदरता आप देखिए। मंदिर का मेन गेट बंद कर दिया गया है, और अब धीरे धीरे ये मंदिर ये 8:30 बजे तक रात में खुला रहता है। आप शाम को आके शाम को 6 बजे आप अगर आ जाते हैं, तब भी आप 1-1.5 घंटे में आप मंदिर का पूरा दर्शन कर लेंगे। ये भक्ति भवन है, यहाँ पे लोग बैठ के भक्ति भाव में लीन होते हैं, जाप करते हैं। ये देखिए आप, Thank you.
मंदिर को इतना अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है और कृपालु धाम का यहाँ पे हॉस्पिटल भी है यहाँ मंदिर से थोड़ी दूर पे, तो यहाँ पे निशुल्क उपचार भी किया जाता है। और ये सामने आप देख रहे हैं जो श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन को यहाँ पे दिखाया गया है, उनके बाल कलाकार से लेके बड़े होते तक, तो आप सामने देख सकते हैं। और ये परिसर हमेशा 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड के निगरानी पे रहता है और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ हमेशा लगे रहते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं हाई मास्ट क्रेन है, अभी मंदिर प्रांगण के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मंदिर को और भी भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर कार्यरत में लगी हुई है। भक्ति धाम भी है यहाँ पे और कुछ दिनों में भक्तों के रुकने और ठहरने के। मंदिर परिसर के अंदर कैंटीन की व्यवस्था है, आप यहाँ पे जलपान भी कर सकते हैं और यहाँ पे लहसुन प्याज इन सभी चीज का उपयोग यूज नहीं किया जाता है। और बहुत ही कैंटीन में बहुत ही हाइजीनिक के साथ में ये प्रेम मंदिर के साइट का व्यू है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ का मैं पूरी तरह से मैं इस मंदिर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के यहाँ पे आ सकते हैं और टाइम भी मेंशन कर दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे ये मंदिर खुला रहता है। कीर्ति मंदिर बनारस, भक्ति मंदिर मनगढ़, प्रेम मंदिर वृंदावन। भारत छोड़ो का इच्छा पत्र